नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ के जनता दरबार में तमाम फरियादी आते हैं और अपनी मांगों को उन तक पहुंचाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात का असर प्रशासनिक अधिकारियों पर होगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा। ऐसे एक महिला रीता कुमारी उत्तर प्रदेश के भदोही से जनता दरबार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची। उसके कान का पर्दा फटा हुआ है, इलाज में काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन दिखाया और लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि सिविल अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया। 5 दिन तक रीता कुमारी भर्ती रही, लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, उसका इलाज नहीं हो पाया। पीड़ित महिला का कहना है कि वहाँ डॉक्टर उसको देख तक नहीं रहे, दवाई नहीं दे रहे, न खाने पीने की व्यवस्था है। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। आज फिर थक हार के वो पीड़ित महिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंची और उसका कहना था कि आज भी उसे एक आश्वासन मिला है कि इलाज हो जाएगा और यहाँ से एक फोन आएगा। किस दर्द से वो महिला जूझ रही है, उससे बात करते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से कान से ना सुन पाने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तमाम लोगों के पास अपनी फरियाद लेकर जा रही है, लेकिन उसकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। यहाँ तक सिविल के जिम्मेदारों ने उसे निकाल कर रीता कुमारी। रीता, क्या समस्या है, किसको लेकर लखनऊ आई हो? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे गुरुवार को, मुख्यमंत्री ने शिवी हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे योगी जी ने जी। फिर उसके बाद ना डॉक्टर आ रहा है, ना डॉक्टर देख रहा है, ना फाइल बता रहे हैं, तो ना डॉक्टर का नाम बता रहे हैं। जो बर्ब नहीं लोग आ रहे उनका देख रहे हैं, गरीब को नहीं सुनवाई हो रहा है। मैं भी दोबारा आज गए सुबह, ना साइन करवाए हैं, ना मेरा ढंग से इलाज हो रहा है। क्या समस्या है तुम्हें? कान में दिक्कत है, सुनाई नहीं देता है। कान में सुनाई नहीं देता है, उसके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है और जुकाम हो रहा है। तो फिर कहाँ से हो तुम? भदोही के रहने वाले। भदोही में कहाँ से? भदोही गोपीगंज। अच्छा, तो क्या मुख्यमंत्री से मांग है? मुख्यमंत्री से ये मांग है, मेरा अच्छे से इलाज हो, नहीं इलाज होगा अच्छे से उसके बाद हम मर जाएंगे, हम नहीं जिंदा बचेंगे। आज कहाँ गई थी तुम बता? केशव प्रसाद मौर्य जी को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई करवा रहे, फोन आएगा। अभी तक फोन नहीं आया? अभी तक नहीं आया है। क्या समस्या है? कान में पर्दा फटा है, पर्दा फटा है, सुनाई नहीं देता है, फीवर होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है। इलाज के लिए पैसा पास? पैसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री बताया था तुमने? बताया था, सीधे भर्ती करवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। भर्ती कराए लेकिन फिर भी कोई नहीं। कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। मुख्यमंत्री जी जो लोग है, वो लोग है बड़े अधिकारी लोग, वो लोग भर्ती करवा रहे हैं। अधिकारी भर्ती कराए लेकिन फिर भी इलाज नहीं, इलाज नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अस्पताल सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर एक भी बार नहीं आया मुझे पूछने। कितने दिन तक भर्ती रही? 5 दिन। कब भर्ती हुई थी, किस तारीख को? गुरुवार को। तारीख बताया था? तारीख नहीं याद है, ये गुरुवार। अच्छा, कब वहाँ से आई हो? सुबह 8 बजे। आज आज सुबह क्यों निकाल दिया गया? हम खुद निकाल, जब मेरा कोई नहीं देख रहा था हम खुद निकल चली आई। मेरा कोई नहीं देख रहा था तो मैं चली आई, ना हमको खाना ढंग से मिल रहा था, ना ढंग से इलाज हो रहा था। परिवार में आपके कौन कौन? घर परिवार में कोई नहीं है। कोई नहीं? मुख्यमंत्री जी से इलाज की मांग करने आई है? जी हाँ, ना मेरा स्टेम बन रहा है, ना मेरा इलाज ढंग से हो रहा है। ठीक